यार आज फिजिक्स में मचाते हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो मतलब यार जिन्होंने पढ़ा है, जो हमारी क्लास कर रहे हैं, उनको तो मतलब देख के, ये तो कोई भी देख के ही कर लेगा ऐसा क्वेश्चन। मतलब कैन द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी बी एट ए पॉइंट आउटसाइड द बॉडी। एक इमेज इस क्वेश्चन का आंसर कर देती है, यस इट कैन बी। तो भाई सेंटर ऑफ मास एक तरह से वेटेड एवरेज होता है मास और पोजीशन का, है ना। तो जो पोजीशन का वेटेड एवरेज है मास के रिस्पेक्ट में निकालते हैं ना अपन, m1x1 + m2x2 वगैरह, तो मास की बाउंड्री के अंदर आएगा, है ना। तो मास जैसे इस बाउंड्री में, तो इस बाउंड्री के अंदर होगा, ऐसा नहीं हो सकता इधर नहीं हो सकता कभी भी, इधर नहीं हो सकता कभी भी, ना अंदर ही रहेगा, इस बाउंड्री के अंदर ही होगा जिस बाउंड्री में मास है ना। पर जरूरी नहीं है जहां पे सेंटर ऑफ मास है वहां पे मास हो। जैसे इस जगह पे कोई मास नहीं है, बूमर रहेंगे, यहां पे कोई मास नहीं है ना। जब मैं ऐसे बेंड हो गया तो मेरा सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे आ रहा है, यहां पे मास नहीं है ना, ठीक है। तो मास की बाउंड्री के अंदर आएगा, पर जरूरी नहीं है वहां पे मास हो,